Finally, we have reached Mudassil Hilltop. और ये बहुत स्पेशल है, इतना स्पेशल चाय है। अरे भाई साला तू डरा दिया यार, हार्ट फेल हो जाएगा। दीज आर एलिफेंट स्टूल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाइक का मेरी इसमें सगलामा। व्हाट्सअप कैसे हो, कैसे हो, नमस्कार टू ऑल। मैं आज आया हूँ अकेला नहीं, मेरे साथ राजकुमार भी हैं। वी बोथ हैव कम टू, ऐसा क्लेम किया जाता है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन संबलपुर। जगह का नाम है मुदेशिल हिल। ये जो गाँव है, ये गाँव का नाम है काकुड़ीपड़ा। ये सामने है दस्त हिल, जहाँ पर मैं और राजकुमार हम दोनों आज चढ़ाई करने वाले हैं। वैसे इस हिल का जो ऑल्टीट्यूड है मुझे पता नहीं है कितना, तो उसका पता लगाएंगे। गूगल लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो। सो ये राजकुमार इज विदर सोइंग हिज फेस, हेलो बोल रहा है वो। सो राजकुमार इज पिकिंग अप सम स्टिक्स, क्योंकि ऊपर जाकर हमें चाय बनाना है, ऊपर चाय पियेंगे हम। वी केम फ्रॉम संबलपुर सिटी, सो धनुपाली से हमने राइट ले लिया टूवर्ड्स धमा रोड, एंड देन वी वेंट स्ट्रेट फॉर 7 किलोमीटर्स। वहां से फिर हमने लेफ्ट लिया फॉर अनदर 4 किलोमीटर, देन वी रीच दिस प्लेस। यू विल फाइंड अ बरगद का एक पेड़ रहेगा और कुछ घर रहेंगे, उसके अंदर से आपको जाना है। गूगल मैप में आप एग्जैक्टली इस लोकेशन में पहुंच जाओगे। इफ यू वांट टू कीप योर बाइक देयर वो भी हो सकता है, बट वी ब्रॉट इट टू द लास्ट पॉइंट, जहां तक हम ला सकते थे, क्योंकि हमें इतना वॉक नहीं करना था। अभी तो पूरा हम जंगल में हैं। हम दोनों का प्लान ये था कि सवेरे ऊपर पहुँच कर सनराइज देखेंगे करके, हो नहीं पाया। अभी जो टाइम हो रहा है इट्स 5:50, सनराइज हो चुका है। सनराइज टाइम था आज 5:11 का। गर्मी का सीजन है और काफी गर्मी लग रहा है, और हमें पता है कि ऊपर चढ़ते हुए हमारा क्या हाल होने वाला है और ऊपर पहुंच कर भी क्या हाल हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज द पीक। इस हिल का ऑल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, तो उसे हम आज पता लगाएंगे। बस चाय बनाना है ना, गुत्ता में हो जाएगा। ये अच्छा है, इसको ले, पर इसमें दम नहीं है, बहुत हल्का है ये, पर अच्छा जलेगा। लोग आकर ये काट कर जा रहे हैं। गाँव के जो लोग होंगे ये लकड़ी के लिए यहाँ पर आते होंगे इस जंगल में। ये गाय का तो नहीं है, क्योंकि गाय और जो कैटल होता है, जो गोबर होता है, वो इस तरह का होता नहीं है। ये मोस्टली एलिफेंट का लग रहा है। वैसे हम काफी घना जंगल में है, अभी पूरा जंगल के बीचों बीच में है, और हो सकता है ये एलिफेंट जोन भी हो सकता है। ये सारे जो पेड़ है ये है बम्बूस पेड़, और एलिफेंट्स को बम्बूस उनका फेवरेट है वो। ये पूरा चारों तरफ बम्बूस का पेड़ है। इन सबको खाने के लिए हाथी इस जगह से गुजरते होंगे। सो राजकुमार भी कुछ प्लान कर रहा है, उसको एक रोप चाहिए। इसे ये जितना भी अभी हमने लकड़ी इकट्ठा किया है उसे बांधने के लिए, ताकि उसे इजी हो जाए। गॉट सम मोर एविडेंट ऑफ एलिफेंट डंग। ये देखो ये सारे, ये देख कर काफी एक्साइटेड हूँ, एनकाउंटर नहीं हो जाए एलिफेंट के साथ। मस्त यार, ये उठ जलाने के लिए बहुत भारी होगा। हाँ बहुत भारी है, इसको लेने से तो पर खाना बन जाएगा। तो राजकुमार ने कुछ जुगाड़ तो लगा ही लिया। वो सही है, राजकुमार आज चाय बनाकर पिलाएगा। मुझे लगता है शायद यही रूट होगा ना ऊपर जाने के लिए। मगर अगर बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता होगा तो इसी रास्ते से होकर यहाँ से वो नीचे जाता होगा। वी केम फ्रॉम दिस वे, वी कुड हैव गॉन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, बट थोड़ा डाउट लग रहा है कहीं हम दूसरे हिल तो नहीं निकल जाए करके, तो हम अभी ये बीच वाला रास्ता ले रहे हैं। जो सामने का जो हिल है वो है मुदेशिल हिल, हमें वहीं पर जाना है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस ट्रेल। पता नहीं रास्ता है कि नहीं। राजकुमार ने भी एक स्टिक ले लिया है। स्टिक होने से थोड़ा ईजी होता है ना। अभी तक जैसे आ रहे थे ना वो थोड़ा ईजी था, ये ट्रेल थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब लग रहा है कि ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरा पसीना भी निकल रहा है। राजकुमार इधर से जा रहा है, यहाँ से ट्रेल है बट डोंट नो यार, अभी पूरा कंफ्यूज हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, और हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं कि मुदेशिल हिल कौन सा है, बट गेस कर रहे हैं कि ये सामने वाला जो वही पीक होगा। जना मैं स्टार्टिंग में बाइक जना रख लूँ ना, डायरेक्ट सीधा चोड़ी सीधा हिल के। राजकुमार सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट चलते हैं, रास्ता ढूंढते जाएंगे तो पता नहीं कहीं और पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं फिर। बाय द वे अभी ये रास्ता है नहीं, अब हम रास्ता बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले राजकुमार बोल रहा था कि इस तरह के जगहों में किंग कोबरा अपना घर बना कर रहता है। एक अच्छा बात यह है कि अभी तक धूप नहीं हो रहा है, 6-7 बजे तक तो धूप निकल आता है। आज का जो मौसम है थोड़ा क्लाउडी तो लग रहा है, आई होप कि अगर क्लाउडी लग रहा है तो ये ऐसे ही रहे अंटिल वी कम डाउन।
थक गए हैं अभी इतना चढ़ाई कर कर के, रास्ता नहीं है, रास्ता बना बना कर जा रहे हैं। तो अभी पानी पीने के लिए थोड़ा बैठे हैं। दारू होता तो और मजा आता। मुझे नहीं, मुझे नहीं, मैं तो दारू पीता नहीं हूँ, इधर बोल रहा हूँ। फिलहाल मुझे एक चीज़ का थोड़ा चिंता हो रहा है, वो है मेरा बाइक का। बस बाइक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करे। अभी थोड़ा हवा चल रहा है और राजकुमार ये बस मुझे लेकर जा रहा है पता नहीं कहाँ। चलो चलो चलो, रुकने से नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock नाउ। लुक एट दिस, लिटरली देयर इज नो वे यार, कुछ रास्ता है नहीं वहाँ पर आगे। नहा लिया, मैं भीग चुका हूँ, मैं पसीने से। सर पे धूप जब लगेगा तो क्या हाल होने वाला है पता नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे बुल्ला से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आई थिंक 27-28 किलोमीटर है। अभी मैं लीड कर रहा हूँ, राजकुमार पीछे। पसीना निकलता है। ऑलमोस्ट ठीक मेरे पीछे, यहाँ से और कुछ ग्रीनरी दिख नहीं रहा है ऊपर। सो आई थिंक दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस हिल। नीचे कुछ लोगों ने बताया कि ऊपर फ्लैग्स वगैरह लगाया गया है, ढूंढेंगे उसे। पर अभी तो बहुत थकान लग रहा है और ऊपर धूप भी आ गया। पीछे ठीक मेरे पूरा घना जंगल है। इस तरह के जंगल से हम होकर ऊपर आए। राजकुमार बोल रहा है कि अभी और भी ऊपर जाना है। सो दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। कैसा लग रहा है? नो कमेंट्स। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह आ गए हैं। ये वो पिक नहीं है जहाँ पर हमें जाना है। हमको जाना है उस तरफ, वो जो पहाड़ है वहाँ पर जाना है। हाईएस्ट जो पॉइंट है यहाँ वही है, ये तो हाईएस्ट है नहीं। तो ड्रोन उड़ाकर पता चला कि वहाँ पर ही हमें जाना है, और कैसे जाना है अभी वो फिर मिस्ट्री है। जाना है वो सागर बताएगा। जो मेन रास्ता था ना, जो वहाँ से हमने डाइवर्ट लिया अंदर की तरफ आ गए, वो जो रास्ता था वो रास्ता ही सही हम हो सकता था। ये जो हम वुड लेकर चल रहे थे अभी हम इसको यहीं पर रख देंगे, क्योंकि लकड़ी का तो ऐसा नहीं कि कमी है। राजकुमार को फॉलो करते हैं। आई होप कि इस बार वो हमें सही जगह लेकर चले। इस एज के साइड में पत्थर रखा गया है। कौन रास्ता बनाया होगा ऐसे? यहाँ का महाराजा। मुझे लग रहा है ये रास्ता सही रास्ता होगा। We are going the wrong way. We have to go that way. But there are no other way. We have to make way in that direction. देखो गांधी बाबा एक लाठी लेके चल रहे। अरे भाई। बाप रे, मुझे नहीं था कि सांप भागू थी। लग भी रहा है ऐसा। अरे भाई साला तू डरा दिया यार। हार्ट फेल हो जाएगा। Look at these elephant gong. These are elephant stool. Stool. बियर ग्रिल्स जो नेशनल ज्योग्राफी, जब उसको प्यास लगता है तो वो क्या करता है, इस तरह का जो डंग उसको मिलता है जंगलों में से, उसको पूरा निचोड़ कर वहां से जो पानी निकलता है उसको फिल्टर करके वो पीता है। वी नॉट गोना टू डू दैट, हमारे पास वाटर है, हम वो पियेंगे। बट दिस इज डेफिनेटली हाथी का गोबर है। इट प्रूव्स दैट कि हाथी यहाँ पर आना जाना करते हैं। ये साउंड सुन रहे हो, कितना जोर का साउंड आ रहा है। ये वाला पेड़ के ऊपर है। नाउ दे हैव गॉन साइलेंट। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनका नाम होता है क्रिकेट, और ये बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं। अगेन द साउंड कम्स। और इज इट सम काइंड ऑफ वार्निंग टू अस? वार्निंग्स विल बी गिवन बाय मंकीज एंड बर्ड्स एंड या मे बी बर्ड्स। तो फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ जाएंगे। राजकुमार बोल रहा है कि हमको जाना है उधर। Stupid rule while climbing mountain that I go straight. I don't follow any trails. I don't follow any path except the peak. हाथी अच्छे नो क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि जाना कहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर इनसे हमें पूछना पड़ा। ये कुछ तोड़ रहे हैं जो पत्ता है एंड दे मेक लोकल सिगरेट जो हम बीड़ी कहते हैं, वो बीड़ी बनाते हैं इस पत्तों से। बोल रहे हैं कि काफ़ी सारा हाथी यहाँ से गुजरे हैं, दिखा रहे थे, निशान दिखा रहे थे। रात को ही हाथी एक जगह से दूसरा जगह मूव करते। ठीक है, हम जाओ जो डाले नहीं।
ये भैया से बात करने से हमें एक तो काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चला, और वो ये है कि अगर कभी हाथी आपको पीछा करे या दौड़ाए, कभी भी ऐसे प्लेन एरिया में दौड़ना नहीं है, या फिर ऊपर की तरफ भी नहीं भागना, क्योंकि हाथी ऊपर की तरफ काफी स्पीड से भाग सकते हैं। तो इस तरह के जो नीचे जो एरिया होता है उस तरफ में जाना चाहिए, ऐसे जो ढलाई वाला जो जगह होता है, और वो नीचे की तरफ आने में उसे दिक्कत होता है। बट हाथी वैसे रात को निकलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो रास्ता हमें मिला है काफी स्टीप है, देखो काफी स्टीप रास्ता से है। अभी ऑलमोस्ट हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से और ज्यादा दूर है नहीं, बट अभी हमने ये डिसाइड किया है कि उस तरफ वहां पर जाएंगे, देखेंगे कि वहां से कैसे नजारा हमको मिलता। सो फाइनली वी रीच्ड द स्पॉट, बट दिस इज नॉट द मेन स्पॉट। यहाँ से भी हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, वी नीड टू गो देयर। यहाँ से वो फ्लैग दिख रहा है, वहाँ पर फ्लैग है, वहाँ पर हमें जाना है। थोड़ा दूर है, यहाँ से मे बी 10-15 मिनट्स लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। यहाँ पर आए ताकि यहाँ से ये शानदार व्यू देख सके। लुक एट दिस व्यू यार, क्या सही स्पॉट है यार। ये ठंडी के मौसम में यहाँ सवेरे सवेरे आए तो यहाँ पर चारों तरफ फॉग मिलेगा हमें देखने को। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, यहाँ नीचे अगर जा सकते हैं तो जाते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं। क्या फीलिंग है अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद, सारा थकान मिट गया कि नहीं? फैमिली चैनल पे नहीं बोल सकता वो फीलिंग, इतना जो थकान लग रहा था, इतना गर्मी जो लग रहा था, वो सब दूर हो गया यहाँ पर। इधर ऊपर काफी धूप है तो वहाँ बैठने नहीं होगा। वहाँ जाने से पहले हम जाएंगे यहाँ पर और वहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा जो हवा चल रहा है उस हवा का आनंद लेंगे, और फिर यहाँ से हम मूव करेंगे समिट की तरफ। ठीक है, काफ़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद अभी हम फिर निकल भी गए हैं, तो वहाँ पर जो सेट था वो सेट के नीचे बैठे थे, मज़ा आ गया। अभी देखो धूप सर के ऊपर आ गया है और इस तरह से चोट लग सकता है। थोड़ी देर में समिट पर रहेंगे, जो ऊपर जो फ्लैग है फ्लैग के पास, देखो पसीना कितना निकल रहा है। टाइम हो रहा है 9:45, समिट अभी भी 10-15 मिनट्स दूर है, एकदम एलिवेटेड है ये। ऐसे ऊपर जाना पड़ रहा है, उस तरफ समिट है, यहाँ राजकुमार जा रहा है। राजकुमार बोल रहा है उसका बॉडी जाम हो गया है। ये जगह सही है यार बैठने के लिए और सोने के लिए। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर का वॉक के बाद वी आर एट द समिट। 2-3 किलोमीटर से शायद हम ज्यादा भी वॉक किए होंगे, क्योंकि 2-3 बार तो हमने रास्ता ही भटका, कहाँ कहाँ चले गए थे। एंड हियर इट इज द फ्लैग जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, हमारा नेशनल फ्लैग। वहाँ पर बैठे थे हम उस वक्त, कब से सोचा था कि यहाँ पर आऊँ करके। मुदेसिल हिल टॉप, हम जब यहाँ ट्रैक स्टार्ट किए थे कि हमें उस वक्त पता नहीं था कि मुदेसिल हिल जो है, जो हिल टॉप है वो कौन सा है, तो हम उस वाले जो पहाड़ है वहाँ पर जाकर हम बैठे थे, ये जो है उस वाले, और वहाँ से फिर हमने ड्रोन शॉट लिया। तो हम फिर डिसाइड किए कि वहाँ से यहाँ आना है। जब हम वहाँ थे और जब वहाँ से हमने यहाँ देखा था, तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ तक पहुँचने में। खुशी है यहाँ पर आने का, है ना। Finally we have reached Mudesil Hill Top. बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, पर पहुंचे हैं। I'm very happy. पहुंच गए। तो अभी हमने चाय बनाया है, ये है हमारा चूल्हा, सारा चाय का सामान इधर पड़ा हुआ है, और राजकुमार यहाँ पर बैठा है। हम यहाँ पर जो चूल्हा में आग लगा रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह का सूखा घास चारों तरफ था, तो यहाँ पर गलती से छिले गया और आग लग गया यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर आग चल रहा है इस तरफ भी। राजकुमार ने यहाँ पर चाय बनाया है, और ये बहुत स्पेशल है, इतना स्पेशल चाय है ये, क्योंकि इस चाय में चीनी नहीं है, पूरा चाय पत्ती है ऊपर, और दूध शायद इसने ज्यादा डाला होगा। टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा चीनी होता तो मजा आ जाता। नहीं है ना गर्मी, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है गर्मी। गर्मी नहीं लगा होता तो ये लड़का कपड़े खोल कर बैठा रहता है क्या, बताओ। बहुत चालाक है यार ये, अपना चाय देखो पूरा फिल्टर कर रहा है ये, और मैं पूरा मसाला खाया हूँ। बताओ बताओ चाय कैसा है। खाली चीनी टी कम हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। बहुत अच्छा उपाय है, हमारा जो ड्रोन है, ड्रोन का जो विंड जनरेट हो रहा है उससे हम आराम ले रहे हैं। देखो बाल कैसा उड़ रहा है अभी, तो ड्रोन का हवा खा रहे हैं भाई। We'll be right back.
सो वी गोना लीव दिस प्लेस नाउ। यार ये फ्लाइज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो मेरा जो स्टिक था वो स्टिक कहीं पर मैंने रख दिया, तो राजकुमार ने ये बंदोबस्त कहीं से किया है। एंड आई विल टेक दिस होम, तो घर ले जाऊंगा मैं। यहाँ से आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा। बहुत हेल्पफुल है, इस तरह से इसको रख कर आराम से उतर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, डेडली गर्मी है अभी। ये जो हिल है ये काफ़ी हाइट पर है, इसका हमने कितना ऑल्टीट्यूड है वो मेज़र नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा है। यहाँ पर आकर भी बैठे हुए हैं, कब बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, थोड़ा छाँव यहाँ पर मिला तो इसलिए बैठे हुए हैं, और प्यास भी लग रहा था। वी हैव ओनली दिस मच ऑफ वाटर विद अस यार, इतना ही पानी है। तो यहाँ पर आई थिंक एक सीप होगा, यहाँ पर दो सीप होगा, तो मैं एक सीप लूँगा और एक सीप रख दूँगा और बाद में देखेंगे। सो वी डोंट हैव वाटर, तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। और गर्म में तो मत आओ यार, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम एंड एक्सप्लोर दिस हिल। ठंडी के टाइम में आओ, अच्छा रहेगा। यार एक सिप से काम नहीं बनने वाला, तो एक और सिप ले देता हूँ। इतना है, देख लेंगे आगे। बाकी अभी हल्का हवा चल रहा है और ऊपर थोड़ा क्लाउड भी आ गया है। यार ये फ्लाइज काफ़ी भिनभिना रहा है यार कानों के सामने पूरा, नहीं आगे का अपडेट आगे मिलेगा आपको। पानी बिल्कुल नहीं है और हम पानी उतना ही पी रहे हैं जितना हम अपना लिप्स को भिगो सके। ऊपर तो नेट नहीं था जिस कारण से ऑल्टीट्यूड मेजर नहीं किया। अभी आई थिंक हम 20-30% हमने कवर किया होगा। बट आई विल शो यू ऑल्टीट्यूड जो है यहाँ से कितना है, 412 ऑल्टीट्यूड है ये, 412 मीटर। एंड आई एम गेसिंग कि 100 मीटर और होगा ऊपर, तो 500 मीटर के आसपास होगा इफ यू कन्वर्ट्स टू 1500 के ऑल्टीट्यूड पर है मुर्देसिल हिल। तो गाइस वी हैव गॉट डाउन, काफ़ी मुश्किल से बाइक के पास पहुँचे क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। वी वेंट टू सम अदर प्लेस एंड वी हैड वॉक्ड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 or 2 kilometers टू गेट टू आवर बाइक। आज काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया। जो टोटल हमने आज वॉक किया है वो 11,000 स्टेप्स के आसपास, विच इज़ इक्वलेंट टू 8 kilometers। एंड इन दिस समर इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। इतना हालत ख़राब हो गया था कि पीने के लिए पानी नहीं था, कैसे वॉक किया हमें पता है। बंदा था वहाँ पर जो वहाँ पर लकड़ी उठा रहा था, तो वी आस्क्ड हिम सम वाटर, ही गेव हिज लास्ट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो हमने पिया और थोड़ा सा हमने अपने आप को शांति किया। सो व्हाट आर योर टेक्स फ्रॉम दिस? व्हेनेवर यू लीव योर बाइक मार के पेन ऑन द मैप, द शॉर्टकट इज द लॉन्ग वे। यस एंड कैरी लॉट्स ऑफ वाटर। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए या फिर एनर्जी बार कुछ होना चाहिए, प्रोटीन बार। 2 बज रहा है, अब यहाँ से हमें निकलना है घर। तो ठीक है, हम ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड देन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट सेफ एंड मेक मेमोरीज। बाय 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 बाय।